गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस, कभी कभी हम घर पे बैठे रहते हैं तो हमें सडनली पता चलता है कि आज शाम हमें किसी पार्टी में जाना है और हमारे पास इतना वक्त नहीं बचता है कि जिससे हम पार्लर जाके और अपना फेशियल करवा सके। और गाइस, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारा फेस क्लीन नहीं होता और हमारा फेस बहुत ही डल लगता है तो उस पर हम मेकअप भी कर ले तो हमारा फेस अच्छा नहीं दिखता है। तो फेस हमारा डल ना लगे और बहुत अच्छे से क्लीन हो, इसके लिए हम अपने घर पे ही फेशियल कर सकते हैं। और इस फेशियल में आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं मंगाना पड़ेगा। इस फेशियल का जो भी प्रोडक्ट होगा वो आपके किचन में है और आप उससे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फेस पे फेशियल कर सकते हो। और ये जो फेशियल है ये आपको बिल्कुल इंस्टेंट ग्लो देगा गाइस। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने घर पे ही इंस्टेंट ग्लो फेशियल कैसे कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है फेशियल का वो है क्लींजिंग का। तो क्लींजिंग के लिए मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा कॉटन ले लिया है और उसके साथ मिल्क ले लिया। मैं कॉटन को मिल्क में डिप करके फिर उसको अपने फेस पे टैप टैप करके लगाऊंगी और उसको अच्छे से लगाने के बाद फिर मैं अपने फेस पे 2 से 3 मिनट तक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मसाज करूँगी। जैसे कि आपको पता है जो मिल्क है वो हमारे फेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारे फेस को एक बहुत अच्छा ग्लो देता है, हमारे फेस को ब्राइट बनाता है और हमारे फेस पे पिंपल या पिंपल से बने दाग धब्बे को भी ये रिमूव करता है। उसके बाद अगर आपके फेस पे झुर्रियों का प्रॉब्लम है उसको भी ये रिमूव करता है। मसाज करने के बाद अब मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, चाहे आप पानी से धो लें या आप किसी हैंकी को लेके ठंडे पानी में भिंगो के उससे अपना फेस जो है बहुत अच्छे से क्लीन कर लें। अब जो गाइस दूसरा स्टेप है वो है फेस स्क्रबिंग का। तो फेस स्क्रबिंग के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से ओट्स ले लिए हैं और ओट्स में मैं 1 चम्मच के करीब हनी ऐड करूँगी। जो ओट्स जो है वो आपके फेस पे जितने भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स है या फिर डेड स्किन है उसको रिमूव करने का काम करेगा और जो हनी है वो आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो देगा। अगर आपका फेस ड्राईनेस है तो उसको मॉइस्चराइज करेगा और जो भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है उससे भी आपको छुटकारा देगा। और इसको गाइस दोनों को मिक्स करके अच्छे से आप अपने फेस पे लगा लोगे और लगाने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल हल्के हाथों से आपको फेस पे मसाज करना है। ये नहीं कि काफ़ी ज़ोर से कर लेना, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको बिल्कुल ही हल्के हाथों से धीरे धीरे अपने फेस पे स्क्रब, तो इसको 4 से 5 मिनट स्क्रब करने के बाद फिर मैं आप अच्छे से अपने फेस को ठंडे पानी से बहुत ही अच्छे तरीके से साफ कर लें कि उसका एक भी पार्ट जो स्क्रबिंग का है वो हमारे फेस पे नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम क्लीन कर लेंगे। या तो आप ठंडे पानी से जाके क्लीन कर लो या फिर आप कोई हैंकी लेके या कोई भी कपड़ा लेके अपने फेस को अच्छे से साफ कर लो। इसके बाद जो गाइस तीसरा स्टेप आता है वो होता है फेस मसाज का। तो फेस मसाज के लिए हमें फेस मसाज क्रीम बनाना होगा। उसके लिए मैंने थोड़ी सी मलाई ले ली है, मलाई में मैं 1 चम्मच करीब शहद ऐड करूँगी। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी। तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं अपने फेस पे इसको लगाऊँगी और इसको फेस पे लगाने के बाद जो है मैं हल्के हाथों से अपने फेस पे मसाज करूँगी 2 से 3 मिनट तक। और जैसे आपको पता है कि जो कोकोनट ऑयल जो होता है वो हमारे फेस को ब्राइट और ग्लोइंग बनाता है और मलाई जो है हमारे फेस को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज भी करता है और ग्लोइंग भी बनाता है और शहद भी हमारे फेस को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है और हमारे फेस को ग्लोई बनाता है। पिंपल्स, एक्ने की जो भी समस्या होती है उसको भी दूर करता है। तो इसको अब जो है मैंने अपने फेस पे लगा लिया। लगाने के बाद जो है इसको मैं कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको या 2 से 3 मिनट तक इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से इसको अच्छे से मसाज करेंगे। और मसाज करने के बाद जब ये हमारे फेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो भी हमने फेस पे लगाया है वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद हम ठंडे पानी के से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब जो हमारा चौथा स्टेप है फेशियल का वो होता है
फेस पैक। तो फेस पैक बताने से पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो मैंने इसमें यूज़ किया इंग्रेडिएंट्स वो मैं आपको नहीं बता पाई हूँ, क्योंकि मुझे लगा मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है पर रिकॉर्डिंग बंद हो चुका था। तो इसमें जो गाइस मैंने लिया है वो है 1 चम्मच बेसन लिया है, उसमें मैंने 1/2 चम्मच करीब हल्दी मिक्स किया है, और फिर उसमें मैंने 1 चम्मच करीब शहद डाला है, और थोड़ा सा रोज वाटर। इन सबको मिक्स करके मैंने एक फेस पैक बनाया, और जो है फेस पैक मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे से अपने फेस पे लगा लेंगे, और लगाने के बाद जो है गाइस इसको हमें लगभग जब तक सूखेगा ये तब तक इसको हमें छोड़ना है अपने फेस पे। जब ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा उसके बाद हमें इसे जब हम इसको हटाने लगेंगे तो थोड़ा सा पानी लेके इसको हम लगभग 2 से 3 मिनट तक लगभग इसको हल्के हाथों से मसाज करेंगे, और मसाज करने के बाद जाके हम इसको ठंडे पानी से अपना फेस धो लेंगे, या फिर कपड़े से इसको आप पोंछ सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और मैं अब एक सूखा टॉवल लेके मैं अपने फेस को अच्छे से पोंछ लूँगी। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी और सबसे जो आखिरी स्टेप है वो ये है कि फेशियल करने के बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल भी ना भूले। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र हो, आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, वो मॉइस्चराइज़र लेके अपने फेस पे लगाए और हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाज कर ले, और फिर आपका फेशियल डन है। तो गाइस जैसे देख सकते हो आप कि फेस मेरा भी कितना ज़्यादा पहले से ग्लोई लग रहा है। और अगर इस फेशियल को आप जो है वीक में 2 बार कर सकते हो, इसे टीनेजर भी कर सकते हैं, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि सारे घर के ही प्रोडक्ट है, कोई बाहर से कोई केमिकल प्रोडक्ट मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। तो आप घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से आप इस फेशियल को कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर मेरे वीडियो में कुछ पसंद ना आया हो आपको तो वो भी आप कमेंट करके हमें तो फिर बता सकते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।